In this video, I'm gonna tell you about constructive notice. Constructive notice का meaning होता है कि एक person को किसी fact की actual knowledge होना, किसी person को किसी general fact की knowledge होना और वो willfully या gross negligence से उस fact की knowledge नहीं लेता है, तो कल को वो court में claim नहीं कर सकता कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे इस fact की knowledge नहीं थी, क्योंकि उसने willfully या gross negligence से उस fact की knowledge नहीं ली। हम एक example के through समझते हैं इसे। ए बी का घर खरीदने जाता है, अब बी ने ग्रॉस नेग्लिजेंस किया कि उसने बी के प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक नहीं किए कि वो प्रॉपर्टी बी के नाम है भी या नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपर्टी सी के नाम थी और बी के साथ इस केस में हुआ फ्रॉड। अब बी के अगेंस्ट ए कल को कोर्ट में नहीं जा सकता कि मेरे साथ उसने फ्रॉड किया है, क्योंकि यहाँ पे ए गलत था, वो ग्रॉस नेग्लिजेंस करके बैठा था। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि आपको जिस नॉलेज की जिस फैक्ट की नॉलेज होनी चाहिए उसे फैक्ट की नॉलेज आपको ज़रूरी है लेना, आप उसे विलफुली नहीं निगलेक्ट कर सकते। थैंक यू।